हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम टू डॉट कॉम माई नाम इज युवार एंड होप यू आर डूइंग वेल यस गैस. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेरी गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत सभी को नमस्कार चलिए जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सो प्लीज़ कन्फर्म दैट ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो गाइस सुबह के बज चुके हैं आठ और सभी को मालूम है कि मॉर्निंग एट ए एम पर मंडे टू फ्राइडे हमारा होता है डेली करंट अफेयर का सेशन और इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग लास्ट वन ईयर के पूरे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके सी जो सेकेंड फेज के एग्जाम होने वाले हैं ठीक है थीके? उन सभी के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ में इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम है एस हो गया रेलवे हो गया या डिफेंस के एग्जाम इन सभी के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं ठीक है so, सो सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज के सेशन में यस yes, नवीन नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है सो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के ऑलरेडी पेपर हो रहे होंगे ठीक है उम्मीद है कि आ, अच्छे पेपर जा रहे होंगे और जिनके अभी आने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सो so, चलेगा इस शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ठीक है और इस सेशंस का जो शेड्यूल्स रहता है ठीक है आई होप कि आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी होगी और जिनको नहीं है तो वो याद रखें कि ये इस समय हम लोग शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके ये जो है मॉर्निंग से सेशन स्टार्ट होते हैं ठीक है और जो करंट अफेयर का सेशन याद रखेगा आपका एट एम पर होता है ठीक है तो आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप को जरूर चेक करते रहें ठीक है ठीके? और दूसरा ये जो पी है मेरे हर एक सेशन की ये आपको मिल जाती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखेगा दट द रेट्स टेक्स्ट बुक ठीक है yes, यस दीपक जी नमस्कार राधे राधे स्वागत है सेशन में ठीक है और आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट बुक पर जुड़ करके यानी कि इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के साथ जुड़ करके कर सकते हैं और इस समय जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं उन सभी के बेहतरीन कोर्सेस आपके यहां पर अवेलेबल है साथ में मॉक टेस्ट और बहुत सारे स्टडी पीडीएफ न और एनरोल uh, करने के लिए यूज कीजिए कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट यस दिव्या वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है यस सो so, जरा बताइएगा गए कि इस क्वेश्चन में हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर पूछा जा रहा है ये कि uh, सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो पावर प्लांट है सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है ये निम्नलिखित में से कहां पर अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है भारत के किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में राजस्थान में उड़ीसा में या गुजरात में ठीक है तो अभी देखिए ये अलग अलग है पहले अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये आपके आ, केरल में हुआ करता था केरल के बाद आपके अभी हाल ही में कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है तेलंगाना में जो भेल के द्वारा बनाया गया है ठीक है और यस वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है और अभी इसकी अगर हम लोग बात करने जाए तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है ए इज करेक्ट ठीक है सो तेलंगाना इज द राइट आंसर ठीक है तेलंगाना इज द राइट आंसर सीएम आप सभी को मालूम होंगे के चंद्रशेखर राव के बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है याद रखिएगा के चंद्रशेखर जो राव है ये यहाँ के सीएम है और तेलंगाना की कैपिटल सभी लोग जानते हैं कि यहां की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी हैदराबाद ठीक है और ये जो तेलंगाना है आपका न्यूली स्टेट क्रिएटेड था ठीक है तेलंगाना की अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये आपका फॉर्मड कब हुआ था इट वाज फॉर्मड इन 2014 ठीक है तो ये भारत के नए राज्य के तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग करके

Uh, Marsar's 2022 Cost of Living City Ranking तो देखो यार कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करने जाएं कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये पूछा गया है कि सबसे कॉस्टली शहर कौन सा है ठीक है सबसे कॉस्टली शहर में हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे तो न्यू दिल्ली है मुंबई है हैदराबाद है या बेंगलुरु तो भारत का सबसे कॉस्टली शहर ठीक है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे अगर देखा जाए और ये रैंक कोई मतलब पहली बार नहीं पूछी जा रही है रैंक कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है ठीक है तो भारत के सबसे कॉस्टली सिटी के बारे में अगर लोग बात करने जाए तो ये कौन सा है मुंबई ठीक है मुंबई जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है याद रखिएगा गेटवे ऑफ उफ... इंडिया लोकेटेड है और इसको वैसे भी अगर हम लोग बात करने जाए तो इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है ठीक है इकोनॉमिक कैपिटल है जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है सब मुंबई में ही लोकेटेड है ठीक है मुंबई में ही लोकेटेड है और अगर मैं एलिफेंटा केप्स की भी बात करने जाऊं तो याद रखिएगा जो आपकी एलिफेंटा केप्स है वो भी आपकी कहाँ पर ही लोकेटेड है मुंबई में ही लोकेटेड है ठीक है सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी एज करेक्ट ठीक है तो रहने की अगर मैं बात करने जाऊं की अगर मैं बात करने जाए रहने की कॉस्ट के आधार पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर देखा जाए तो सबसे महंगा जो शहर है भारत का वो कौन सा है मुंबई ठीक है है अगला क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा का मुंबई महंगा है मतलब मुंबई एक पर्टिकुलर एरियाज है मुंबई के आप आउटर एरियाज में जाकर के रहते हैं तो बहुत सी जगह पर सस्ता भी है रहना मतलब आपको सस्ते मकान वगैरह भी मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर हम लोग मेन मुंबई की बात कर रहे हैं जो थाने और जो साउथ बॉम्बे वगैरह का जो एरिया है ठीक है बांद्रा वगैरह का जो लोकेशन है अगला क्वेश्चन है आपका कि कास्ट अवेयरनेस वेरी गुड मॉर्निंग तो कौन सा ऐसा आईआईटी संस्थान है ठीक है कौन सा ऐसा आईआईटी संस्थान है जिसने अनाउंस किया है ठीक है कि हम लोग जातिगत जो है जागरूकता को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर एक uh, <coughs> मतलब कोर्स को लॉन्च करने जाएंगे देखिए आज के समय में आपने देखा कि हम लोग अभी भी मतलब पचहत्तर साल तो स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये जो कास्टिज्म का इशू है रिलीजन का जो इशू है ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया अभी भी लोग इससे बाहर नहीं निकल पाए ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आईआईटी संस्थान है जो लोगों में जागरूकता को पैदा करने के लिए ठीक है कि लोग जो कास्ट है धर्म है इन सभी चीजों को पीछे छोड़ करके देश को प्रियोरिटी रखना शुरू करें तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है दरिजा आई आई, आई बॉम्बे और याद रखेगा ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स को लॉन्च करने वाला ठीक है सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट दरेजा ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है एक ठीक है रखी का डिस्ट्रक्टर अभी हाल ही में चर्चाओं में चल रहा था आपके ठीक है लास्ट मंथ में ही हमने इसको चर्चाओं में देखा हुआ था ठीक है नाम क्या था इसका वेरोवा डिस्ट्रक्टर तो ये ये पूछा गया था कि सीन इन न्यूज रिसेंटली क्या है एक मिसाइल है और या फिर कोई ये सैटेलाइट है या फिर ये कोई पैराजिस्टिक माइट है या फिर कोई वैक्सीन है ठीक है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे गए कर जितने भी लोग अदर कैंडिडेट देख रहे हैं उन सभी को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आंसर जरूर करते रहे ठीक है क्योंकि ये जो सेशन है बहुत Important और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन तो ये हाल ही में खबरों में देखा गया था जिसका नाम क्या था? ठीक है? और इस question में जो right answer दिखने जाएंगे, तो याद रखेगा ये क्या है एक याद परजीवी पतंग है, ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है सी इज द राइट आंसर ठीक है और ये काफी न्यूज में रहा था वेरो माइट ठीक है थीके? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 था, ठीक है? इसका विनर कौन रहा है ठीक है कार्लोस मैक्स लुइस हैमिल्टन या फिर सेबास्टियन वेटल तो निम्नलिखित में से कौन थे जो ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स अब देखो ग्रैंड पिक्स जो है अलग अलग होते रहते हैं आपने जर्मनी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में सुना होगा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स या फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स के बारे में सुना होगा ठीक है यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था मतलब जो फॉर्मूला रेस जो रेस के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके विनर कौन थे ठीक है तो इसमें विनर के बारे में अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कार्लोस याद रखिएगा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो कार्लोस याद रखेगा सेंजो इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यस शिवम वेरी गुड मॉर्निंग स्वागत सभी को uh, सभी को गुड मॉर्निंग आयस ठीक है सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि एक मेगा क्लस्टर जो है सेटअप किया जाएगा एक मेगा क्लस्टर पार्क बनाया जाएगा आप ये कह सकते हैं ठीक है ठीके? और मैंगोज के लिए बनाया जाएगा खासतौर से ठीक है क्योंकि आप मैंगोज अभी देखा होगा कि अभी तो सीजन निकल गया लेकिन इस बार इंडिया ने अपने मैंगोज को विश्व में हर एक देश के कोने में पहुंचाया और किसानों को भी बहुत ही ज्यादा इसमें ह्यूज प्रॉफिट अर्न हुआ ठीक है तो ये पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो अप्रूव किया गया है कि भारत के किस शहर में सौ करोड़ की लागत से एक मैंगो यानी कि आम के लिए याद रखेगा यहाँ पर आपका एक मेगा क्लस्टर बनाया जाएगा ठीक है सो निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे तो आमों के लिए जो मेगा क्लस्टर बनाए जाने की बात हुई है ये भारत के किस शहर में पुणे में हुई है लखनऊ में हुई है सालेम में हुई है या फिर बेंगलुरु में हुई है ठीक है तो ये जो देखो सरकार ने ये बोला है कि हम लोग ये जो बनाएंगे ये सौ करोड़ की लागत से मेगा क्लस्टर जो बनाने जाएंगे ये भारत के किस शहर में लखनऊ में और आप सभी जानते हैं कि जो लखनऊ है इसको हम लोग यूपी की कैपिटल है ठीक है लखनऊ और साथ में अगर लखनऊ की बात करने जाए तो कई बार रिवर भी पूछी जाती है कि ये किस नदी के किनारे है तो सभी को मालूम होगा इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर ठीक है तो गोमती नदी के किनारे लोकेटेड है ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अल्फिया पठान और गीतिका ये दो जो हैं महिलाएं है महिलाएं हैं ठीक है जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है ये अभी हाल ही में काफी न्यूज में है काफी चर्चा में है तो ये निम्न लिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है ठीक है दोनों के नाम बहुत अच्छे से याद रखेगा अल्फिया पठान और दूसरी कौन से गीतिका तो आपको ये बताने हाँ बिल्कुल नवाबों का शहर है आपका लखनऊ बिल्कुल नवाबों का शहर है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे क्रिकेट होगा बॉक्सिंग होगा वेट लिफ्टिंग होगा या फिर फेंसिंग होगा ठीक है so, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग याद रखिएगा आंसर करने में जरूर इन्वॉल्व रहें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है तो ये जो दोनों खिलाड़ी है ये जुड़ी हुई किससे बॉक्सिंग कैटेगरी से याद रखेगा ठीक है बोथ आर एसोसिएटेड विद द बॉक्सिंग ठीक है तो दोनों की दोनों की जो मुक्केबाजी से एसोसिएटेड है ठीक है है मुक्केबाजी से एसोसिएटेड अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोबाइल फोन थ्रू द ई दूपीआई ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कौन ऐसी बैंक है जिसने जो गवर्नमेंट है हरियाणा की आपकी जो खट्टर सरकार है ठीक है उसके साथ एक समझौता किया है टाइप किया है और इस टाइप के तहत ये क्या करने जाएगी ठीक है इस टाइप के तहत ये क्या करने जाएगी मोबाइल फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगी ई e यूपीआई के थ्रू यूपीआई तो आप सभी जानते हैं यूपीआई की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है प्रोडक्ट है किसका एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसमें आप छह चार से लेकर के छह डिजिट का एक कोड जनरेट करते हैं कोड आप क्रिएट करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट अपने अकाउंट को लिंक कर लेते हैं आसानी से सेकंड्स में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मनी का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की तरफ ठीक है और यूपीआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप पर चल रहा है ठीक है इंडिया ने यूएसए चाइना सबको पीछे छोड़ दिया ठीक है अब इसमें जो राइट आंसर है ये कौन सी बैंक है तो याद रखेगा इंडियन बैंक ठीक है तो इंडियन बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन बैंक जिसने ये टाई अप किया है किसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट के साथ अगर इंडियन बैंक की मैं बात करने जाऊं तो इसका अगर कभी आपको हेडक्वार्टर पूछा गया तो इसका हेडक्वार्टर पढ़ के जरूर चले जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है दैट इज लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु ठीक है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब लेकिन अगले क्वेश्चन में हमारे डोंग आ चुके हैं डोंग बोल रहे हैं कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं

एक मतलब यहाँ पर एक एक लैंग्वेज बोली जाती है ठीक है भाषा बोली जाती है तो ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस भाषा को इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो अः किशवाहिली की बात की जा रही है ये अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा है अफ्रीका जो कि सेकेंड सबसे बड़ा कंटीनेंट है डार्क कंटिनेंट इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तीनों रेखाएं गुजरती हैं कर्क रेखा भूमत रेखा और मकर रेखा ओशियाना में बोला जाता है साउथ एशिया में बोला जाता है इसको या फिर कैरेबियन आइलैंड में बोला जाता है ठीक है तो ये जो पूछा जा रहा है कि किस वाहिली जो भाषा है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है किस क्षेत्र में इस भाषा का सबसे ज्यादा प्रचलन है और इस भाषा की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये याद रखेगा इसका जो प्रचलन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है याद रखेगा अफ्रीका so, में ठीक है सो इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे याद रखेगा यानी कि जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा इज ऑप्शन वन एज कर ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है कि विच स्टेट या यूटी पास्ड बिल टू हाइक सैलरीज बाई द ओवर सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ इट्स मेंबर ठीक है तो निम्नलिखित में से यश आलोक जी नमस्कार ठीक है सुप्रभात कौन सा ऐसा राज्य है या हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपनी असेंबली में विधानसभा में एक बिल पास किया है कि उनके जो एम हैं एम मतलब आप जानते हो ना विधायक ठीक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनकी जो सैलरी है ठीक है ये 66 परसेंट बढ़ा दी जाएगी ठीक है तो ये केरल में है दिल्ली में है तेलंगाना में है या फिर कर्नाटका में काफी बड़ा जंप है सैलरी में ठीक है काफी बड़ा जंप माना जाएगा ये सैलरी में सिक्सटी अपने आप में बहुत बड़ा हाई है तो अगर इस तरीके से सैलरी बढ़ती रही तो कुछ दिनों के बाद जो बच्चे होंगे वो सरकारी एग्जाम की तैयारी ना करके फिर एम और एम के लिए ही तैयारी करना शुरू करेंगे ठीक है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज दिल्ली तो दिल्ली याद रखेगा दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी कैपिटल भी है और अगर मैं इसकी बात करने जाऊं दिल्ली जो है Uh, अभी हाल ही में uh, जो है सॉरी यहां पर जो सरकार है आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है ठीक है तो uh, इन्होंने ये घोषणा की है कि ये अपने मेंबर्स की 66 जो है सैलरी में हाइक करने जाएंगे ठीक है नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट हाउ मच 5.8 मिलियन टू द क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप ठीक है तो निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में पांच दशमलव आठ मिलियन जो है अमाउंट यूएस डॉलर है जो है ठीक है अमेरिकी डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ये कौन सा देश है यूएसए uh, है जापान है ऑस्ट्रेलिया है या फिर फ्रांस है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किस को टिक करने जाएंगे ठीक है चलिए गुलाम गौस का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए छितिज uh, ने आंसर दिया है यूएसए ठीक है नव नवीन का भी आंसर है यूएसए देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है तो यहां पे ये जो राइट आंसर गाइज याद रखेगा ये यूएसए नहीं इन्वेस्टमेंट करने वाला है ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है दैट इज द ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेवेंथ स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बोलते हैं ठीक है सातवां सबसे छोटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं कंटिनेंट बोलते हैं इसको ठीक है और विश्व में जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है हम लोग देखते हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये आपके ऑस्ट्रेलिया की ही पाई जाती है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैनबरा कैपिटल ठीक है सभी ने पढ़ी होगी कि जब हो, हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या कैनबरा और करेंसी क्या होती है दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि वेन इज वर्ल्ड जोनोसिस डे इज ऑब्जर्व ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि विश्व जो जोनोसिस दिवस है ये कब मनाया जाता है तो इसका आप सही आंसर क्या टिक करेंगे और निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है so, सो दो जुलाई को चार जुलाई को ठीक है छह जुलाई को या फिर दस जुलाई को इसका सही आंसर जरा बताएगा कि निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर याद रखिए दैट इज अप्शन ठीक है सी एच करेक्ट ठीक है so, सो सिक्स जुलाई इज द राइट आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखेगा इसमें जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अ ऑप्शन यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन तो हम लोग छह जुलाई को हर साल विश्व जूनों से दिवस सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अप्रूव किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिजिन मुस्लिम कम्युनिटीज ठीक है तो ये एक अलग ही तरह की चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं तो कौन सा राज्य है या शासित प्रदेश है जिसने स्वदेशी मुस्लिम समुदायों की पहचान को मंजूरी दे दी है स्वदेशी और विदेशी अब ये भी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी तो वेस्ट बंगाल है बिहार है आसाम है या फिर हिमाचल प्रदेश है सो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है गाइस देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत सारी डिस्टरबेंस पैदा करते हैं जब इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं तो विरोध होता है लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक्चुअली में इस स्टेट में जो म्यांमार से हम लोग देखते हैं कि माइग्रेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है तो यहाँ के जो सीएम सीएम है आप सभी जानते हैं हेमंत विश्वासाहप ठीक है तो यहाँ के जो सीएम है सभी को मालूम होगा कि हेमंत विश्वा शाहब है ठीक तो है तो हेमंत विश्वा शाहब ने यह घोषणा कर दी है कि भाई हमारे जो स्वदेशी हैं मतलब जो यहां से ही बिलोंग करते हैं हम उनका आइडेंटिफिकेशन करना जाएंगे और जो बाहर के लोग हैं माइग्रेंट आए हैं या इलीगली माइग्रेंट होकर के आए हैं उनको हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं अलग जो है कैटेगरी uh, में रखना शुरू करेंगे ठीक है सो आसाम इज द राइट आंसर ठीक है आसाम के बारे में आपने सभी ने पढ़ा है कि यहां पर हम लोग एक टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं दैट इज अ कामाख्या देवी टेम्पल आसाम में हम लोग सेवन नेशनल पार्क पढ़ते हैं जिसमें मानस और काजीरंगा सबसे ज्यादा पॉपुलर

वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग ठीक है एक बार इसको देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक से क्या अपडेट है ठीक है जरा समझिए इसको तो वर्ल्ड बैंक का देखते हैं जरा ठीक है देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करने जाऊं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में सभी जानते होंगे कि इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो क्या है नाइनटीन uh, फोर्टी हम लोग देखते हैं ठीक है हेडक्वार्टर हम लोग क्या देखते हैं वाशिंगटन डीसी यूएसए तो वाशिंगटन uh, जो डीसी यूएसए है ये इसका क्या है हेडक्वार्टर uh, है ठीक है और सदस्य देशों की संख्या 190 है और डेविड जो मालपास है आपने पढ़े होंगे कि इसके हेड है अब इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस स्टेट को 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है? सो छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर है छत्तीसगढ़ so right, right गर... की अगर स्थापित तो कि किया गया था ऑन फर्स्ट नवंबर कई बार इसका स्थापना दिवस पूछा जाता है टू और ये एक नवंबर दो को स्थापित हुआ था किससे यूपी से ठीक है फ्रॉम यूपी तो याद रखेगा और ये कौन सा था ट्वेंटी सिक्स स्टेट था ठीक है ये कई बार पूछा जाता है हमारे देश का छब्बीसवां राज्य था ये ठीक है छब्बीसवां राज्य ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बिल्कुल अंबुबाची का मेला भी लगता है आसाम में आसाम का फेस्टिवल भी हम लोग पढ़ते हैं बिहू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने घोषणा की है कि अगर यहाँ के लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को परचेज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत इन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल व्हीकल को परचेज करता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सर्विस टैक्स याद रखेगा एस जी एस टी का मतलब जानते हैं कि जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ठीक है तो उसको ये लोग हंड्रेड परसेंट रिटर्न कर देंगे अब सोचिए जरा कि आज के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई देखो आगे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की जो व्हीकल्स है ना इनके लगातार जो डिमांड है वो कम होने वाली है ठीक है क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी बोल सकते हैं बोल, बोल चुके हैं कि भाई अगले दस सालों में या अगले पांच सालों में पेट्रोल डीजल की जो वहीकल है वो बैन हो जाएंगी ठीक है पूरी तरीके से बैन कर देंगे हम लोग और आपने देखा होगा इथेनॉल का भी बहुत ज्यादा इस समय मिक्सिंग किया जा रहा है और भारत बहुत सारा पैसा बचा भी रहा है अपने इम्पोर्ट को कम करता चला जा रहा है ठीक है और इलेक्ट्रिकल वहीकल को बहुत बढ़ावा दे रहा है ठीक है चाहे वो टू व्हीलर्स हो या फिर फोर व्हीलर्स हो तो ये जो स्टेट घोषणा करने वाला है ये भी आपका कौन सा है छत्तीसगढ़ ठीक है तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ के जो सीएम है आपके आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग बघेल साहब की बात करते हैं ठीक है सीएम आई हो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर हम लोग बात करने जाए तो भूपेश बघेल साहब ठीक है तो यहाँ के जो सीएम है भूपेश बघेल साहब उन्होंने ये घोषणा की है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज करते हैं तो उसमें जो राज्य सरकार को मिलने वाला टैक्स होता है ठीक है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको हंड्रेड याद रखेगा ठीक है उसको 100 परसेंट क्या किया जाएगा माफ कर दिया जाएगा बेटा छत्तीसगढ़ का जो क्रिएशन हुआ था ये यूपी से नहीं हुआ था ये एमपी से हुआ था आई होप की बाई मिस्टेक मेरे से लिख गया है ठीक है ये एमपी से हुआ था ठीक है ये एमपी से हुआ है यूपी से जो आपका हुआ था ये उत्तराखंड हुआ था ठीक है यूपी से उत्तरांचल या उत्तराखंड ठीक है तो ये एमपी से अलग हुआ था आपका एमपी से ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन विच तो भारत सरकार ने हाल ही में किस फल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है so सो वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट तो मैंगोज पर ड्रैगन फ्रूट पर लीची पर और या फिर इसमें पाइन एप्पल के बारे में बात की गई है तो किस के लिए भारत सरकार के द्वारा एक आ, नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है और ये जो नेशनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी ठीक है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन, ठीक है यस बी इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे याद रखिएगा इसमें हम लोग जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट यस यस ठीक है ड्रैगन फ्रूट के लिए हुआ था और इसका अगर कभी लोकेशन पूछा गया तो इसका लोकेशन जरूर पढ़ के जाएगा दैट इज अ गुजरात इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखिएगा जरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो परिमाण Uh, अभी हाल ही में ये न्यूज में चल रहा है एक जियो पोर्टल है ठीक है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया ठीक है सो परिमान की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है रिसेंटली वी सी एना न्यूज ठीक है इन जियो पोर्टल ठीक है इट इज अ जियो पोर्टल फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सो दैट इज लॉन्च बाय द विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी तमिलनाडु नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीआर रीजन होता है आप जानते हैं कि एनसीआर में बहुत सारे एरियाज आपके इंक्लूडेड हो जाते हैं गोवा है या हिमाचल प्रदेश तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किसको हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे ठीक है सो इसका जो राइट right आंसर है जितने भी लोग यहां पे देख पा रहे हैं ठीक है दैट इज अप्शन ठीक है बी इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो ये जो लॉन्च किया गया है कहां पर एनसीआर क्षेत्र में ठीक है नेशनल कैपिटल रीजन में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज सक्सेसफुली कमीशन हंड्रेड मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर फोटोवोल्टिक प्लांट एट रामागुंडम प्लांट इन तेलंगाना तो ये ऑलरेडी अभी हमने बात की थी कि ये सबसे लार्जेस्ट आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है और ये ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा हुआ था ठीक है कि तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया है अब क्षमता कैपेसिटी भी याद रखेगा किसकी हंड्रेड मेगावाट की है किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है है तो नवीन का आंसर आ चुका दैट इज ऑप्शन बी यानी कि इन्होंने ऑप्शन बी को को टिक किया है भेल को, बाकी सब लोगों के आंसर का इंतजार है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो कौन सा है भेल इज द राइट आंसर तो याद रखेगा जो भेल कंपनी है इसके द्वारा हंड्रेड मेगावाट का एक तैरता हुआ फोटो सोलर पावर प्लांट लगाया गया है कहां पर तेलंगाना के रामागुंडम क्षेत्र में ठीक है अगला सवाल है कि द पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज ठीक है विच वॉज सीन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो ये निम्नलिखित में से किस आ, देश में बनाया गया है नेपाल में श्रीलंका में बांग्लादेश में या फिर इंडिया में तो एक पुल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग एक ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं जिस ब्रिज का नाम क्या है पद्मा ठीक है और ये बहुउद्देशीय ब्रिज बताया जा रहा है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये रिसेंटली जो न्यूज में देखा जा रहा है वो कहां पर है? बांग्लादेश में ठीक है तो भाई श्रीलंका तो अभी हाल में इस स्थिति में है नहीं कि किसी ब्रिज को बना सके अपनी डेली एक्सपेंडिचर्स को चला पाना बड़ा मुश्किल है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो ऑलरेडी यहां पर भी वर्स्ट होती चली जा रही हैं ठीक है थीके? तो इसमें जो राइट right आंसर है बट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पीएम आप सभी जानते हैं कि यहाँ की जो पीएम का नाम है शेख हसीना जी है ठीक है नाइनटीन सेवनटी वन में आपका लिबरेट हुआ था और अभी पचास साल स्वतंत्रता के इन्होंने पूरे किए हुए हैं ठीक है इंडिया ने पचहत्तर साल पूरे किए हुए हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है कि uh, किस देश के uh, किस देश ने हाल ही में भारत के जामनगर राजा को और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा को ठीक है सम्मानित किया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में वहां के पॉलिश जो बच्चे थे चिल्ड्रन थे उनको शरण प्रोवाइड करने के लिए ठीक है अब देखो जब ये द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत कब हो जाती है एक सितंबर 1939 को ठीक है और ये 1945 तक जाता है तो एक सितंबर 1939 को क्या हुआ कि जो जर्मनी था ठीक है जर्मनी जर्मनी था इस जर्मनी ने अटैक कर दिया किस पर पोलैंड पर जर्मनी जो था जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड ठीक है तो इसने पोलैंड पर हमला कर दिया जब पोलैंड पर हमला किया तो वहां के पोलैंड के बहुत सारे बच्चों को निकाल करके ठीक है कई किलोमीटर यात्रा करके भारत पहुंचाया गया ठीक है सो दैट उनको प्रॉपर तरीके से शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इन बच्चों को अपने देश में शरण प्रोवाइड करने के लिए रेडी था तो उस समय हुआ क्या कि जो गुजरात के जामनगर के राजा थे ठीक है उन्होंने इनको शरण देने की बात की और अपने खुद के खर्चे से अपने खुद के मतलब पैसों से इनका खर्चा बियर करने के लिए रेडी हुए ठीक है तो ये किस देश में किया गया ऑलरेडी आपको मालूम है मैंने नाम बता ही दिया है ठीक है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और पोलैंड जो है भारत के इस ऋण को कभी नहीं भूलता अगर आप पोलैंड में जाकर के देखेंगे तो पोलैंड में बहुत सारी जो सड़कों के नाम है बहुत सारे संस्थान के जो नाम है वो भारतीय राजाओं के नाम पर है भारतीय कौन से राजाओं के नाम पर जो जामनगर के राजा है गुजरात के और याद रखेगा जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा है ठीक है क्योंकि जब ये जामनगर के राजा की जो रियासत होती है वो चली जाती है और वो खर्चों को बियर नहीं कर पाते तो फिर बाद में बच्चों को इस रिफ्यूजी कैंप को शिफ्ट कर दिया जाता है कोल्हापुर में ठीक है और वो आज भी इंडिया को, इंडिया को ठीक है अपनी की इस मदद के लिए याद करते हैं सम्मान करते हैं और इंडिया को सेकेंड मदर कंट्री के तौर पर वो देखते हैं ठीक है तो इंडिया को सेकेंड मदर कंट्री के तौर पर विजिट करते हैं और ये जामनगर के एरिया में बहुत से आपको पोलैंड के जो ट्रेवलर्स होते हैं विजिटर्स होते हैं वो वहां पर जाते हुए मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज द एडिशनल चार्ज

स्मृति ईरानी इज द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखेगा दर्जा इज ठीक है बी इज करेक्ट ठीक है तो यहां पे जो राइट right आंसर याद रखेगा बी इज द राइट आंसर ठीक है तो अब यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पदभार संभालने वाली वो कौन है स्मृति ईरानी और इनके पास ऑलरेडी ऑलरेडी अगर मैं बात करने जाऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो ये तो इनके पास ऑलरेडी है ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये ऑलरेडी इनके पास है ही ठीक है साथ में अब कौन सा भी दे दिया गया है याद रखेगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी मिल गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा जा रहा है कि जो सी गार्जियन है एक ज्वाइंट मेरी एक्सरसाइज है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में कंडक्ट की जा रही है यस गाइस वी आर कनेक्टेड अगेन हम लोग दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं ठीक है मे बी आई होप की वी आर कनेक्टेड अगेन पावर कट होने की वजह से कनेक्टिविटी ब्रेक हुई थी नाव एवरीथिंग इज ओके यस अभी क्लियर है क्या प्लीज एक बार कन्फर्म करिएगा एवरी वन दट आई होप की नाव एवरीथिंग इज ओके अभी क्लियर है ठीक है वी आर कनेक्टेड सो so, हम लोग बात कर रहे थे इसकी ठीक है जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे सी गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है सी गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज की तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर तो निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है यूएसए पाकिस्तान है इसमें चाइना और पाकिस्तान है भारत और जापान है या फिर भारत और फ्रांस है ठीक है और यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है चाइना एंड पाकिस्तान इज द राइट आंसर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इज ऑप्शन बी इज राइट ठीक है तो याद रखेगा कि यहां पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है तो चाइना और पाकिस्तान दोनों भाई भाई है ठीक है वैसे तो कहावत है हिंदी चीनी भाई भाई बट इस समय पाकिस्तान और चाइना भाई भाई ठीक है तो ये इन दोनों के बीच में चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में आपने देखा होगा कि इंडिया और फ्रांस के जब बीच में होती है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं वरुणा नाम देते हैं ठीक है और ठीक है हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच इंडियन बैंक हैज ओपेंड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप तो आज के समय में आपने देखा होगा कि हमारे देश में लगातार जो स्टार्टअप्स की संख्या है यानी जो यूनिकॉर्न की संख्या है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और स्टार्टअप्स के मामले में अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे ज्यादा जो इस समय स्टार्टअप आपके ओपन हो रहे हैं वो बेंगलुरु एरिया में ठीक है याद रखेगा बेंगलुरु को कैपिटल माना जा रहा है स्टार्टअप्स के मामले में दूसरे नंबर पे आपका एनसीआर रीजन है और उसके बाद फिर आता है आपका मुंबई रीजन ठीक है तो इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बैंक है जो स्टार्टअप्स के लिए इजीली लोन अवेलेबल कराने के लिए इजीली लोन मुहैया कराने के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ब्रांच ओपन करने जाएगी ठीक है सो दैट इनको आसानी से लोन मुहैया हो और ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप ओपन कर सकें तो इस क्वेश्चन में जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है बी इज करेक्ट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका आप पुराना नाम जानते इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था ठीक है 1955 में ये आया हमारा ठीक है और आ, आ, इसका जो हैडक्वार्टर है वो आई होप कि सभी को मालूम होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है मुंबई में और इसके जो हेड हैं वो कौन है दिनेश कुमार ठीक है सो दिनेश कुमार इसके हेड है। तो इनके द्वारा याद रखिएगा एक डेडिकेटेड ब्रांच ओपन की जा रही है किसके लिए स्टार्टअप के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो आ, सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन में सबसे लंबे और डबल डेकर वायडक्ट uh, का निर्माण किया हुआ ठीक है तो इसमें से आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है सो जरा बताएगा गाइड की इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और इसमें हम लोग निम्नलिखित तो में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है होगा 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 या फिर ऑप्शन इज राइट जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग ट्राई करिए आंसर करने का ठीक है ट्राई टू गिव एवरी वन टू गिव द राइट आंसर ठीक है यस तो नागपुर होगा मैशूर होगा कोलकाता होगा या फिर चेन्नई और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज नागपुर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो नागपुर इज द राइट आंसर तो ये नागपुर में बनाया गया नागपुर सभी में कि हम लोग ऑरेंज सिटी के तौर पर जानते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ये किसका नितिन गडकरी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ठीक है अब देखो यहां पर एक अपडेट है आपके बारे में ठीक है आपके लिए कि आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो टेक्स्ट बुक की ठीक है सुपर टीचर्स के साथ जुड़ करके कर सकते हैं और इस समय जो भी इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स हैं वो टेक्स बुक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं सो so, बेहतरीन कोर्सेस आपके अवेलेबल हैं ठीक है टेक्स बुक पर मोर देन टेन टीचर्स के एटीन प्लस वीडियो कोर्सेस और साथ में मिल जाते हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट और स्टडी पीडीएफ नोट सभी का एक्सेस जरूर करिए लेकिन इसके अलावा आपको याद रखेगा डेली वन टू वन इंटरेक्शन सेशन मिलने वाले हैं डाउट सॉल्विंग सेशन मिलने वाले हैं मास्टर क्लासेस के थ्रू यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं तो यहां पर आप सभी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं ठीक है और जो चार्जेस हैं लेस ठीक है सिक्स ट्वेंटी फाइव रुपए करते हैं so so अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मई दो हजार बाईस में किसने इलेक्ट्रॉनिकी ठीक है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर सो ऑप्शन इज राइट निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को हम लोग टिक करने जाएंगे ठीक है तो अलकेश कुमार शर्मा है वेंकट रमनी सुमंत्रण है नरेश कुमार है या फिर सुमन के बैरी सुशुमन शु, के बैरी आई होप कि सभी को मालूम है कि इस समय वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के ये तो आपको मालूम है कि इनके अगर हम लोग बात करने जाए सो ये जा वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ठीक है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ठीक है हाँ ठीक है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अलकेश कुमार शर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अलकेश कुमार शर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हेल्थ अथॉरिटीज इन द यूके हैव कन्फर्म्ड अ केस ऑफ मंकी पॉक्स इन अ पर्सन हु रिसेंटली फ्लू इन द फ्रॉम व्हिच कंट्री ठीक है तो यूके में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में किस देश से उड़ान भरने वाले व्यक्ति में मंकी पॉक्स के मामले की घोषणा की थी ठीक है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लिए जाएंगे नाइजीरिया है घाना है आ, या फिर केन्या की बात करने जाएंगे या नाइगर की बात करने जाएंगे ठीक है तो ये जो मंकी पॉक्स का एक जो है केस यहाँ पर रजिस्टर किया गया था कहाँ से नाइजीरिया से और इसमें जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है और इंडिया में भी बहुत सारे केसेस इंडिया में आपको मालूम होगा कि इंडिया में अगर मैं सबसे पहले मामले की बात करने जाऊं तो इंडिया में केरल में आ, ये रजिस्टर किया गया था केरला में रजिस्टर किया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए सीसीआई की हम लोग बात कर रहे हैं अप्रूव्ड द डील दट अलाउज सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड टू हैव अबाउट हाउ मच परसेंटेज टेक इन बायोकॉन बायोलॉजिस्टिक लिमिटेड तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है सीसीआई कम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा है किसने ये मंजूरी दे दी कि सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को बायोकॉन को कि बायोलॉजिस्ट uh, लिमिटेड में लगभग कितने प्रतिशत की ये हिस्सेदारी रखने जाएंगे आठ दस बारह या फिर पंद्रह सो so, इसमें से uh, जो यस शिवम बिल्कुल सही है ठीक है मोहित यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है नवीन ठीक uh, है तो इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा टोटल ये पंद्रह परसेंट की साझेदारी कवर uh, करने वाले हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट है किसमें बायोकॉन बायोलॉजिस्ट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में ठीक है अगला सवाल है कि जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है ठीक है इनग्रेटेड नेशनल वुमेन लॉजिस्टिक्स लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इनमें टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है तो जरा बताएगा कि निम्न में से किस सिटी में जो हमारे uh, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद साहब उनके द्वारा एक महिला विधायक सम्मेलन को लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन को ये कौन सी सिटी थी मुंबई थी बेंगलुरु था चेन्नई था या फिर तिरुवंतपुरम तो भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में इसको इनोग्रेट किया गया और ये स्टार्ट किया गया था भारत के याद रखियेगा में ठीक है सो ऑप्शन फोर इज राइट यस मोहित बिल्कुल करेक्ट है ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है ठीक है तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हु वन अ सिल्वर मेडल इन द 50 मीटर ठीक है राइफल याद रखेगा स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप टू तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा 50 मीटर की प्रतिस्पर्धा में ठीक है रजत पदक जीता गया है ये अनिशा सैयद है वेदिका शर्मा है अंजुम मोदगेल है या फिर श्रियंका सारंगी है और ये जो रजत पदक जीता गया है किसके द्वारा याद रखिएगा अंजुम मोदगिल इज द राइट right आंसर ठीक है सो ऑप्शन थ्री एच करें ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा श्रीलंका को चार महीने की अवधि में मानवीय मान सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी है तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और लगभग श्रीलंका को एक बहुत बड़े फंड की जरूरत है अपनी डेली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए बीयर करने के लिए इंडिया के द्वारा भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है और चाइना तो जो फंड दिया है उसका फायदा उठा ही रहा है ठीक है चाइना का भी आपने पढ़ा होगा कि एक सिप इंडिया के मना करने के बावजूद भी अभी श्रीलंका के तट पर पहुंच गया है ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन सेकंड इज याद रखिएगा 48 मिलियन यूएस डॉलर इज द राइट आंसर ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट ठीक है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेवनटींथ साला ठीक है परविस्तो द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल इन द स्टेट ठीक है तो आज के समय में जुलाई और अगस्त का टाइम चल रहा था ठीक है और जुलाई और अगस्त में ही आपको मालूम है कि स्कूल्स में एडमिशंस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में बच्चों के एडमिशंस हो रजिस्ट्रेशन हो इसलिए ठीक है कौन सा ऐसा राज्य जिसने साला प्रवेत्सो एक अभियान लॉन्च किया है जिसमें घर घर जाकर के बच्चों को इंकरेज किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में एनरोलमेंट हो क्योंकि लगभग बच्चों के जो दो साल हैं वो कोविड की वजह से वेस्ट हो चुके हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं या फैमिलीज हैं जो पॉवर्टी में जा चुकी है बहुत सारे बच्चों की स्कूलिंग छूट चुकी है ठीक है तो ये एक इनिशिएटिव अपने आप में बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है और ये जो लॉन्च किया गया था कहां पर गुजरात में ठीक है यस क्षितेश ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर तमिल साई सुंदर लोगो या मॉस्कोट एंड थीम ऑफ द ट्वेंटी नेशनल यूथ फेस्टिवल ठीक है द फिफ्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हॉस्टेड बाई द विच स्टेट और यूटी तो ये पूछा जा रहा है कि जो पच्चीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव खेल है ये निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में इनोग्रेट किए जाएंगे ठीक है दिल्ली होगा हरियाणा होगा तमिलनाडु होगा या पुडुचेरी तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में ये होने हैं और ये जो किए जाएंगे कहां पर दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है पुडुचेरी इज द राइट आंसर तो इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन फोर ठीक है चलिए अगला सवाल है ओलंपिक मेडल विनिंग स्प्रिंटर डिओन ल पासड अवे इंजेन टू थाउजेंड टू पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ऑबिच् का एक क्वेश्चन है ठीक है तो ओलंपिक पदक विजे विजेता की बात की जा रही है थीके? जो धावक थे जिनका नाम था डियोन लंडोर जिनका निधन हो गया है जनवरी 2022 में तो ये निम्नलिखित में से कहा से बिलोंग करते थे बारबाडोसा से जमाईका से ठीक है ग्रेनेडा से या फिर त्रिनीदाद और, और टोबेको से ठीक है सो तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है तो इसमें हम लोग वन को याद रखेगा करेक्ट टिक करने जाएंगे ठीक है, पूछा जा रहा है कि, in 2022? तो निम्नलिखित में से कौन सा हेलीकॉप्टर जनवरी दो में भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया है ठीक है सो इसमें से हम लोग निम्नलिखित में से किसको टेक करेंगे ठीक तो, है तो एल रुद्रा है और ए एल एच ध्रुव एम के थर्ड है आ, सिकोरस्की ठीक है एच फाइव है और ब्लैक हॉक है ठीक है सो इसका जरा करेक्ट आंसर बताएगा और इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे याद रखेगा सेकेंड इज द राइट आंसर ए एल एच ध्रुव एम के थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगला सवाल है कि 10 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी कितने चरणों में आयोजित की जाएगी रणजी ट्रॉफी आपको मालूम है है कि इसका जो विनर हुआ इस बार ठीक बहुत समय के बाद जो विनर है वो है वो एमपी घोषित हुआ किसको डिफीट करके मुंबई को अदरवाइज हमेशा जो विनर हुआ करता था वो मुंबई हुआ करता था ठीक है तो कितने चरणों में आयोजित की जाएगी हम लोग रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं और ये जो ट्रॉफी आयोजित की गई है कितने चरणों में दो चरणों में ठीक है सो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विच राउंड ऑफ इंडिया ई यू कंसल्टेशन ऑन डिसमामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन मैटर्स वॉज हेल्ड इन अ वर्चुअल फॉर्मेट इन फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो पूछा गया है कि देखो निरस्त्रीकरण और अप्रसार निरस्त्रीकरण और क्या पूछा जा रहा है ठीक है कि अप्रसार मामलों पर भारतीय यूरोपीय संघ के परामर्श का कौन सा दौर फरवरी 2022 में एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था फिफ्थ थ या फिर एट्थ तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा सही आंसर होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन इज इज करेक्ट ठीक ठीक है है सो द राइट आंसर तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखेगा दैट इज अप्शन ठीक है यस थ्री इज द राइट आंसर ठीक है यस मोहित अभिषेक क्षित सभी के सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के पंद्रवें मुख्य कार्यकारी पार्षद सी, सी कप को जीता है सो so जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस और निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है so सो वन होने वाला है टू होने वाला है थ्री होने वाला है या फिर फोर निम्नलिखित में से किसको हम लोग टिक करने जाएंगे ठीक है वन हो जाएगा टू हो जाएगा या फिर थ्री हो जाएगा या फिर फोर सो विच ऑप्शन इज राइट सो आई होप कि अभी क्लियर होगा ये वाला ठीक है इतना क्लियर होगा हाँ सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ठीक ठीक है है वन इज करेक्ट लद्दाख स्काउट इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी साइंड अ म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन फैफ्ट 2022 ठीक है तो इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड है ठीक uh, है या फिर ब्रह्मोस एरो स्पेस है या फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड है ठीक है थोड़ा सा नेटवर्क uh, का इशू है ठीक है आज हल्का सा ठीक है आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है टू होगा थ्री होगा, होगा या फिर फोर निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज 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 ए एच एल द द राइट आंसर हिंदुस्तान लिमिटेड करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऑप्शन सेकंड इज राइट अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है रामकृष्ण जयंती ठीक है तीन मार्च को चार मार्च को पांच को या फिर छह को सो so, इसमें से हम लोग निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे सो ऑन विच डे रामकृष्णा जयंती इज ऑब्जर्व और ये जो रामकृष्णा जयंती है ये ऑब्जर्व की जाती है याद रखिएगा आपकी सेकंड मार्च को ठीक है सो इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे और यह जो राइट right आंसर टिक करेंगे याद रखिएगा दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट इन मार्च 2022 तो मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की किसने घोषणा कर दी है तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं अजीत चंदीला है एस श्री संत है अंकित चौहान है या फिर आरपी सिंह और ये जो अनाउंसमेंट किया गया किसके द्वारा एस श्रीसंत के द्वारा ठीक है एस श्रीसंत के द्वारा ठीक है सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नौसेना पोत को 16 मार्च 2022 को गोवा के भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है ठीक है तो इसमें आ, आ, समर्थ है विश्वस्त है संकल्प है या फिर सक्षम तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युद्ध पोत है नौसे, नौसेना का जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया शामिल किया गया है और इसको जो शामिल किया गया ये कौन सा है दैट इज अस सक्षम इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो राइट right आंसर हो जाएगा याद रखेगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द हैज लॉन्च इट्स निफ्टी ठीक है जी सैक, इन जून 2027 ETF ईटीएफ इन मार्च 2022 ठीक है तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में मार्च 2022 में अपना निफ्टी ठीक है जी सेक जून 2027 ETF लॉन्च किया है ठीक है तो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड है एच है एस बी म्यूचुअल फंड है या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है और इसमें जो राइट right आंसर है दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे इन अप्रैल अप्रैल टू बाईस में किस राज्य ने अपना एट्टी सेवेंथ फाउंडेशन डे मनाया शुरू किया है ठीक है राजस्थान केरल उड़ीसा या महाराष्ट्र निम्नलिखित में से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है और एट्टी हुड है किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है उड़ीसा के द्वारा ठीक है सो दैट इज ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि अप्रैल 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट कितना किया था ठीक है तो रेपो रेट वर्तमान में तो बढ़ा दिया गया है ठीक है वर्तमान में तो इस समय हाई चल रहा है आप सभी को मालूम की फोर पॉइंट नाइन परसेंट है इस समय तो इस समय तो रेपो रेट बहुत हाई है ठीक है इस समय तो रेपो रेट बहुत हाई है और ये उस समय जो किया गया था चार परसेंट बट अभी जो रिसेंट है न्यू अपडेट है याद रखिएगा कि इस समय जो न्यू अपडेट आपका चल रहा है वो कितना चल रहा है याद रखेगा दैट इज अ फोर पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है थीके? तो अभी इंक्रीज हो गया है आपका रेपो रेट ठीक है तो जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अ ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखने जाए तो इसमें जो है वन होगा ठीक है अप्रैल का पूछा गया लेकिन वर्तमान में फोर पॉइंट नाइन है ठीक है अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत किस वर्ष स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की, की मेजबानी करेगा ठीक है सो वैसे तो 2023 में हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी करने वाले हैं हॉकी वर्ल्ड कप की भी करने वाले हैं जी ट्वेंटी समिट की भी मेजबानी करने वाले हैं लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी इंडिया निम्नलिखित में से किस ईयर करेगा ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जरा बताएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट सो so वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और ये मेजबानी हम लोग दो हजार तेईस में ही करने वाले हैं ठीक है दो हजार तेईस में ही करने वाले ठीक है अगला सवाल है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है ठीक है हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ठीक है फॉर हाउ मेनी डेज ठीक है फ्रॉम नाइनटीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा उन्नीस अप्रैल दो हजार बाईस को की गई थी और ये अभी और कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया एक्सटेंड कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हंड्रेड डेज के लिए वन ट्वेंटी डेज के लिए वन फिफ्टी डेज के लिए या फिर वन एट्टी डेज के लिए ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो गाइज राइट आंसर है ये जो एक्सटेंड किया गया है वन एट्टी डेज के लिए ठीक है याद रखेगा तो ये जो बढ़ा दिया गया फिर से अगले अगर मैं बात करने जाऊँ तो सिक्स मंथ के लिए फिर से बढ़ा दिया गया ठीक है सो so, ये सिक्स मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है कि जो रॉबर्ट गोलोब को अप्रैल 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है ठीक है सो रॉबर्ट गोलोब हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ठीक है इन अप्रैल 2022. तो ये निम्नलिखित में से किस देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं क्रोशिया ऑस्ट्रेलिया सॉरी ऑस्ट्रिया है स्लोवेनिया है या फिर मॉन्टे नवीन अक्षय ठीक है देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है अभिषेक सो so, जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है सो स्लोवेनिया के याद रखेगा ये अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए ठीक है अगला फाइजर ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी के रिसर्च पार्क में एक वैश्विक दवा विकास केंद्र की के स्थापना करने की बात की है तो फाइजर वैक्सीन ठीक है काफी पॉपुलर हुई थी यूके की और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान में अपना एक रिसर्च पार्क स्थापित करने जाएगा ये आईआईटी बॉम्बे है कानपुर है रुड़की है या मद्रास और इसमें जो सही आंसर है दैट इज आई आई टी मद्रास इज द राइट आंसर जो कि बेस्ट uh, इंस्टीट्यूट्स में भी सिलेक्ट होता है इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में और इंडिया की जो पहली फाइव जी टेस्टिंग है आई आई टी मद्रास में ही कंडक्ट की गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लग्जरी ब्रांड लुई वीटोन के पहले भारतीय ब्रांड कौन बने हुए हैं ठीक है सो so, इसमें निम्नलिखित में से हम लोग पहले जो ब्रांड एम्बेसडर है उसकी बात कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से हम लोग किसको पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखते हैं ठीक है ठीके? और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच इज करेक्ट आमिर खान दिशा पटानी शाहरुख खान या फिर दीपिका पादुकोण ठीक है जरा बताइएगा लुई आ, इसके हम लोग बात कर रहे हैं लुइस विटोन के ठीक है तो लुइस बेटोन के जो ब्रांड एम्बेडर बनाए गए वो है दीपिका पादुकोण ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर ठीक है अगला सवाल है टेस्ट मैचों में पांच हजार रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर होने का गौरव किसने हासिल किया है सो so, मेहमूद है तमीम इकबाल है ठीक है साकिब अल हसन है और मुसफिकर रहीम है सो so, इसमें से हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है मोस्ट फिकर रहीम इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली महिला दलित मेयर बनाई गई है ठीक है सतेंद्र सिंह पहला राजीव गौतम दूसरा विमल अंबेडकर तीसरा ठीक है और चौथा मोहिंदर के मेघा ठीक है तो भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनाई गई है इसमें से राइट आंसर है और ये जो पहली बनाई गई है कौन है याद रखिएगा मोहिंदर के मिधा इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है भारत और किस देश ने जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए द्विपक्षीय मैक्सिको के साथ होगा चाइना के साथ या कोलंबिया या फिर कनाडा तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ ये टाई हुआ है भारत और किस देश के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जलवायु पर ठीक है द्विपक्षीय सहयोग पर साइन हुआ है और ये जो साइन हुआ है तो इसमें इंडिया और दूसरा कौन सा है कनाडा ठीक है uh, सो so इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन यस यस गाइस ठीक है फोर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में सोनी के पूर्व सीईओ नोब इदेई का निधन हो गया यह पूछा गया है है ठीक निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते थे ठीक है सो जरा बताएगा कि ये में से किस कंट्री से बिलोंग करते थे साउथ कोरिया चाइना जापान या ताइवान निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट सो so, निम्नलिखित में से हम लोग किसको टिक करने जाएंगे ठीक है और यहाँ पर जो राइट आंसर है ठीक है यहाँ पर हम लोग जो राइट आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है थ्री इज द राइट आंसर याद रखिएगा थ्री इज राइट आंसर जापान इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड दो किस कंपनी को मिला हुआ है ठीक है तो ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया गया है अडानी लॉजिस्टिक्स ठीक है एजिस जेट फ्रेट या फिर एलविक तो यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया गया और यह जो पुरस्कार दिया गया है यह दिया गया अडानी लॉजिस्टिक्स को और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2022 में सिंजु आबे का निधन हो गया तो आपको मालूम होगा कि एक उनके ऊपर एक अटैक किया गया था ठीक है और गन से फायर किया गया जिसमें वो चोटिल हुए और उनकी मृत्यु हो गई तो उनको ये पूछा गया है कि वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो इससे तो आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता है ठीक है तो वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान जिसकी करेंसी येन पढ़ते हैं और जिसकी कैपिटल हम लोग क्या पढ़ते हैं टोक्यो ठीक है so, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है सो चलिए गाइज ये था आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा बट कंक्लूड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो टेक्स बुक पास है इयरली टेक्स बुक पास याद रखेगा यानी कि आपका एक ऐसा वन टेक्स बुक पास कि जिसको एक्सेस करते ही आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देने को मिल जाते हैं सो जो ट्वेल्व मंथ का आपका टेक्सट बुक पास है इस समय अवेलेबल है याद रखेगा बहुत ही अपने लोवेस्ट प्राइसेस में कितने फोर हंड्रेड में ठीक है सो आप इसको एनरोल कर सकते हैं और जब भी एनरोल करने जाएं सो यूज दिस डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोट एसकेटी पास टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है यहां पर आपको बहुत सारे पी वाई क्यू मिल जाएंगे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सो so डेली अपनी जो प्रैक्टिस है वो लगातार जरूर करते रहें ठीक है अपनी प्रैक्टिस को किसी भी तरीके से कम ना होने दें क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही आपको सिलेक्शन दिलाती है तो ईयरली पास अवेलेबल है याद रखिएगा ठीक है ईयरली पास अवेलेबल है तो ये जो फ्लैश सेल है इस समय गोइंग ऑन है तो इसका बेनिफिट जरूर उठाएं और बाकी जो सेशंस की पीडीएफ वगैरह है वो कहां पे मिलेंगी सो so, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप याद रखेगा जिसका नाम है एट द रेट सर टेस्ट बुक तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी ये मेरे शेड्यूल हैं सभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है तो जरूर जुड़िए मेरे साथ तीन बजे मास्टर क्लास होती है आपके टेक्स बुक एप्लीकेशन पर इस पर भी जरूर जुड़िए ठीक है ठीके? और बाकी टेक्सट बुक के किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते सुपर कोचिंग कोर्स को ठीक है बाय यूजिंग द कूपन कोड एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर जुड़ना ना भूले मेरे साथ ठीक है सुबह आठ बजे तब तक के लिए दुआ में याद रखिए थैंक यू थैंक यू सो मच